अस्सलामुअलैकुम गाइस। जी हाँ गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अफ्तारी के साथ। शहर का मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाई थी, ये बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पकौड़े। हाँ जी गाइस, रमज़ान में थोड़ा ना शेड्यूल ऐसा हो जाता है कि बहुत बिजी सा, थोड़ा सा टाइम निकालने के साथ साथ मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ मैं क्या बना रही हूँ अफ्तारी में। जी हाँ गाइस, मैं बना रही हूँ थोड़ी सी पकौड़ी। हमने आलू की पकौड़ी बनाई है आज, और हम ये अफ्तार करेंगे जब हम रोज़े का टाइम हो जाएगा। अफ्तार अकेले करना पड़ता है क्योंकि ये टाइम होता है मेरे हस्बैंड के ऑफिस का और मैं होती हूँ अकेले घर पे, तो अफ्तार तो हमें अकेले ही करना पड़ता है। तो हम बना रहे हैं आज अपने लिए पकौड़ियाँ। और आज असल में गाइस फर्स्ट रोज़ा है, समझिए, मैं अपलोड करना चाह रही थी व्लॉग, अपना नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, बट अब आपको रोज़ मिलते रहेंगे। मेरा जो भी रूटीन रहेगा मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और ये हमने बना ली है पकौड़ी। जी हाँ गाइस, रमज़ान है, अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, साथ साथ पकौड़ी के हम बनाएंगे अपना डिनर, क्योंकि अफ्तार के बाद फिर हो नहीं पाता है। हमने कर लिया था सब कुछ अपना अफ्तार का तैयार, इसके बाद हमने बनाया था चिकन, और चिकन के साथ हमने रोटियां बना दी थी, फिर हमने पढ़ी नमाज, उसके बाद हम फ्री हो गए अच्छे से ये सब करने के बाद। और गाइस फिर हमने जो है हमारे हस्बैंड आ गए हैं, फिर हमने उनको जो हमने अफ्तारी बनाई थी वो सब दी है। यहाँ गाइस ये हमारा हो चुका था डिनर भी तैयार, इसके बाद हमने पढ़ी है नमाज, नमाज के बाद हमने अपने हस्बैंड को दिया है ये अफ्तारी। यहाँ गाइस